प्रदेश में रिक्त पड़े सभी विभागों के पदों में भर्ती और बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर दिया ज्ञापन। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में बेरोजगार युवाओं ने किया प्रदर्शन। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण युवाओं का भविष्य अंधकार में है। शिक्षक भर्ती परीक्षा को 1.5 साल हो चुका है, लेकिन आज तक उसकी नियुक्ति का अता पता नहीं है। वहीं प्रदेश में पिछले 3 साल से कोई पुलिस भर्ती नहीं निकली, जबकि कोरोना काल में सारे शासकीय कार्य सुचारू रूप से हो रहे हैं। शासकीय भर्तियां नहीं निकलने से बेरोजगारों में निराशा बढ़ी है। हम लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है सीएम के नाम, 14 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन दिया था कि जो पूरे देश प्रदेश भर में जिस तरह के पद खाली पड़े हैं, कई लाख पद पूरे प्रदेश भर में खाली हैं, कई संख्या देखा जाए तो करोड़ों में पहुँचे ही देश भर में, लेकिन पिछले एक लंबे समय से किसी भी तरह की भर्ती किसी भी विभाग में नहीं की जा रही है। पिछले 1.5 साल से तो पुलिस में भर्ती नहीं की, जो फिजिकल की तैयारी करता है जो स्टूडेंट, उसको ऐसे ही उसकी उम्र निकलती जा रही है, लेकिन उसके लिए कोई वैक वो नहीं है, पोस्ट नहीं है कि कहाँ पे वो अप्लाई करें। रेलवे को, रेलवे में लगातार लोग रिटायर हो रहे हैं, जगह खाली हो रही है, लेकिन उन पोस्ट को भरा नहीं जा रहा है। ठेका प्रथा को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसके खिलाफ़ में कि सही विभागों में स्थायी भर्ती तुरंत होना चाहिए। जो भी पुलिस भर्ती है, पटवारी भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, संविदा कर्मी, इनको तुरंत लागू की जाना चाहिए, सत्यापन शुरू करना चाहिए। इस सब मांगों को लेकर आज हमने ये ज्ञापन